नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में कोरोना वैक्सीन को बनाने को लेकर कई सारी परेशानियां सामने आ रही है। लोगों को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है ताकि कोविड का जो प्रकोप है वो पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। लेकिन बात अगर खासकर बिहार की करें तो पटना के एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी है, लेकिन एम्स के लोगों को ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स नहीं मिल पा रहे हैं। लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं कि उनके ऊपर वैक्सीन का परीक्षण किया जा सके, जांच की जा सके। अब तक मात्र 40 लोग ही जमा हो पाए हैं जो तैयार हुए हैं कि हमारे ऊपर आप कोविड वैक्सीन का प्रयोग करिए और ट्रायल को सफल बनाइए। लेकिन 1000 लोगों की जरूरत होगी जिनके जो स्पेसेस हैं वो अलग अलग तरह के हो, उनके अंदर की खूबियां, उनके अंदर के हार्मोन्स अलग अलग तरह के हो, ताकि सफलतापूर्वक कोविड वैक्सीन का जो है वो निर्माण किया जा सके। लेकिन परेशानी ये आ रही है कि लोग नहीं मिल पा रहे। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए पटना एम्स को वॉलंटियर्स का इंतजार है। 5 दिन में सिर्फ 40 लोग ही ट्रायल के लिए आ गया है। लक्ष्य 1000 वॉलंटियर्स का रखा गया है। ऐसे में पटना एम्स ने वैक्सीन के लिए वॉलंटियर्स को आगे आने की अपील की है। अगर वॉलंटियर्स आगे नहीं आए तो टीका आने में ज्यादा समय लग सकता है। ICMR और भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई वैक्सीन का ट्रायल सबसे पहले पटना एम्स में ही शुरू हुआ था। वैक्सीन के लिए पहले और दूसरे चरण का ट्रायल हो चुका है। दोनों ट्रायल के परिणाम सफल रहे हैं। पहला ट्रायल 13 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। दोनों अभियान की सफलता के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद तीसरे चरण का वैक्सीन ट्रायल किया जा रहा है। तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं। पटना एम्स के चिकित्सक डॉक्टर CM सिंह ने बताया कि इस चरण के ट्रायल के लिए 1000 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी जानी है। अभी तक महज 40 लोगों को ही वैक्सीन दी गई है। प्रतिदिन 50 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन लोग इसके प्रति उदासीन है। वैक्सीन ट्रायल के लिए प्रतिदिन महज 4-5 लोग ही पहुंच रहे हैं। किसी किसी दिन तो लोग आ भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में टीकाकरण अभियान समय पर पूरा होने में संदेह दिखाई दे रहा है। वहीं पटना एम्स ने अपील भी की है लोगों से। वहां के चिकित्सा अधीक्षक हैं CM सिंह, उन्होंने वॉलंटियर्स से आगे आने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति जिन्हें कोरोना संक्रमण नहीं हुआ हो वे वॉलंटियर्स बन सकते हैं। ऐसे लोग मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि दिया भी गया है 9471408832 या फिर 9919688888। इस पर फ़ोन करके आप पंजीकरण करा सकते हैं अपना। पटना एम्स में कोरोना के ट्रायल के लिए लोगों का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द बनकर तैयार हो सके। तो ऐसे में कैसे तैयार होगा कोरोना का वैक्सीन? बिहार में लोग नहीं मिल पा रहे हैं। लक्ष्य है कि एक दिन में कम से कम 50 लोगों पर तीसरे फेज का ट्रायल हो सके, लेकिन एक दिन में मात्र 3 से 4 लोग पहुंच रहे हैं और कोई कोई दिन ऐसा हो रहा है कि लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं। ऐसे में कोरोना की वैक्सीन के लिए लोगों को और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। एम्स को वॉलंटियर्स का इंतज़ार है। नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोग वहाँ शामिल होकर ट्रायल का हिस्सा बन सके और जल्द से जल्द पूरे देश को कोरोना की वैक्सीन मिल सके और कोविड-19 जो वायरस है उससे लोगों को निजात मिल सके। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।